यूपी से बीजेपी के सांसद वरुण गांधी पर सेना की जानकारी लीक करने का आरोप, आर्म्स डीलर अभिषेक वर्मा के हनी ट्रैप में सूचना देने का इल्जाम। पूर्व आर्म्स डीलर एडमंड्स एलन का आरोप, डिफेंस कंसल्टेटिव कमेटी के सदस्य रहते वरुण ने लीक की थी जानकारी। पूर्व आर्म्स डीलर एडमंड्स एलन ने पीएमओ को लिखी चिट्ठी, सीडी और कई दर्जन फोटो भी भेजे, कार्रवाई की मांग। वरुण गांधी ने आरोपों को बताया बेबुनियाद, कहा नहीं की कोई जानकारी लीक। वरुण के खिलाफ प्रशांत भूषण ने खोला मोर्चा, पूछा सबको जानते हुए भी केंद्र सरकार ने क्यों नहीं की कार्रवाई। वरुण ने कहा प्रशांत के खिलाफ मानहानि का केस करूंगा। जम्मू कश्मीर के हीरानगर सेक्टर में नाकाम हुआ आतंकी घुसपैठ की कोशिश, आतंकियों को देखते ही बीएसएफ ने धनाधन दागी गोलियां। कठुआ के करीब नजर आए थे 5 से 6 आतंकी, बीएसएफ के मुताबिक दहशतगर्दों को कवर फायरिंग दे रहे थे पाकिस्तान रेंजर। कठुआ के करीब अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आतंकियों ने की थी घुसपैठ की कोशिश, थर्मल इमेज में साफ नजर आ रहे हैं दहशतगर्द। रजौरी में पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन, सरहद पार से दागे गए 120 एमएम के मोर्टार। पाकिस्तान ने भारत पर लगाया सीज फायर उल्लंघन का आरोप, इस्लामाबाद में भारत के डिप्टी उच्चायुक्त को तलब करके दर्ज कराई आपत्ति। राजस्थान के बीकानेर में पाक सीमा पर पकड़ा गया संदिग्धबाज, पाकिस्तान की ओर से आया था परिंदा। कश्मीर घाटी में उपद्रवियों के खिलाफ जारी है छापेमारी, पिछले 3 दिनों में 300 से ज्यादा गिरफ्तारी। जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर हाई अलर्ट, सीमा पार से फिर घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं आतंकी। समाजवादी कुनबे में पैचअप की कोशिशें तेज, अखिलेश से मिले शिवपाल यादव, रजत जयंती कार्यक्रम में शिरकत करने की अपील। आज समाजवादी पार्टी के यूपी जिला अध्यक्षों की बैठक, शनिवार को होनी है प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक, अखिलेश के शामिल होने पर सस्पेंस। यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस को जोर का झटका, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी ने थामा बीजेपी का हाथ। अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुई रीता बहुगुणा जोशी, बोली देश हित और यूपी के हित में किया फैसला। बीजेपी ज्वाइन करते ही रीता बहुगुणा जोशी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा खून की दलाली वाले बयान से दुखी होकर छोड़ी पार्टी। प्रमाण दीजिए और खून की दलाली, जब इस तरह की बातें आई तो इससे पूरा देश शुभ हुआ और मैं भी बहुत ही मुझे भी तकलीफ और दुख हुआ। रीता बहुगुणा जोशी को लेकर कांग्रेस का पलटवार, कहा दगाबाजों की फौज इकट्ठी कर रही है बीजेपी। ऐदिल है मुश्किल फिल्म के रिलीज को लेकर दिल्ली पहुंचा विवाद, प्रोड्यूसर्स गिल्ड ने की केंद्रीय मंत्री गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात। ऐदिल है मुश्किल की रिलीज को लेकर गृहमंत्री ने दिया सुरक्षा का भरोसा, आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से राजनाथ की होगी मुलाकात। मुलाकात के बाद प्रोड्यूसर्स गिल्ड के अध्यक्ष मुकेश भट्ट ने खाई कसम, कहा अब नहीं बनाएंगे पाक कलाकारों के साथ कोई फिल्म। फिल्म रिलीज के समर्थन में आए केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो, कहा एमएनएस की धमकियों के आगे नहीं झुकेगी सरकार। जेएनयू के लापता छात्र नजीब का 6 दिन बाद भी कोई पता नहीं, परिजन सीबीआई जांच की मांग को लेकर धरने पर। जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद के लिए साथी छात्रों ने निकाला मार्च, नजीब के लिए इंसाफ की मांग। छात्रों ने आज जेएनयू से गृह मंत्रालय तक मार्च निकालने का किया फैसला, गृह मंत्री दे चुके हैं मामले में एसआईटी बनाने का आदेश। दिल्ली में बर्ड फ्लू की आहट से दहशत में लोग, H5N1 वायरस की वजह से पक्षियों की मौत के बाद सरकार अलर्ट पर। दिल्ली चिड़ियाघर के अलावा हौज खास डियर पार्क को भी किया गया बंद, दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय आज करेंगे मुर्गा मंडी और डियर पार्क का दौरा। गाजियाबाद में पटाखा कारोबारी को सरेआम मारी गई गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। नोएडा में रोडरेज विवाद में 4 लोगों पर एसिड से हमला, चारों अस्पताल में भर्ती, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। शाहजहांपुर में बुजुर्ग महिला की गला रेतकर हत्या, खेत में मिला शव, महिला के दामाद समेत 3 के खिलाफ केस दर्ज। गाजियाबाद के इंद्रपुरम इलाके में एनआरआई डॉक्टर के फ्लैट में ड्राइवर और नौकर ने की लाखों की चोरी, सीसीटीवी में कैद भी तस्वीर। झांसी में रेलवे स्टेशन के सामने से टिकट कलेक्टर की बाइक चोरी,
पुलिस के सीसीटीवी कैमरे में चोरी करते दिखा चोर, अब तक नहीं हुई गिरफ्तारी। फिरोजाबाद रेलवे पुलिस ने संदिग्ध मानव तस्करी रैकेट का किया पर्दाफाश, 32 महिलाओं समेत 36 लोगों को मुरी एक्सप्रेस से उतारा। ये सभी लोग राउरकेला से लुधियाना जा रहे थे। सभी लड़कियों की उम्र 18 से 23 साल के बीच, पुलिस कर रही है दस्तावेजों का सत्यापन। वडोदरा में देर रात दो गुटों के बीच गैंग वॉर फायरिंग में मुकेश हरजानी नाम का हिस्ट्री शीटर मारा गया। शहर के हरी इलाके में हुई गैंग वॉर, मुकेश पर अज्ञात हमलावरों ने चलाई 9 गोलियां। दिल्ली के नरेला में घर से मिली महिला की बोरी में बंद लाश, पति पर हत्या का आरोप, हत्या के बाद बेटी के साथ पति फरार। दिल्ली में दूसरे वनडे में टीम इंडिया के हार, रोमांचक मुकाबले में न्यूजीलैंड ने 6 रन से हरा, सीरीज में की बराबरी। न्यूजीलैंड ने जीत के लिए रखा था 243 का लक्ष्य, भारत की पूरी टीम 49.3 ओवर में 236 रन बनाकर आउट। भारत की ओर से केएम जाधव ने बनाए सबसे ज्यादा 41 रन, हार्दिक पांड्या ने खेली 36 रनों की पारी। न्यूजीलैंड की जीत में हीरो रहे कप्तान विलियम्स, 118 रनों की पारी खेल मैन ऑफ द मैच बने, 23 को मोहाली में तीसरा बन गए। डेनमार्क ओपन के दूसरे ही दौर में थमा ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट पीवी सिंधु का सफर, जापान की साटो सायाका ने हराया।